नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू और आज मैं आप लोगों को ले लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल क्लास 12th का रिवाइज्ड बायो का सिलेबस। जी हाँ, जीव विज्ञान का सिलेबस जिसका विषय कोड 203 है, कोरोना वायरस की वजह से जो सिलेबस का जो पार्ट हटा दिया गया है उसकी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस में जो 30 से 40% का कटौती किया गया है उसी के तहत जो सैद्धांतिक पार्ट है यानी कि जो जिसका एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम थ्योरेटिकल एग्ज़ाम लिखना है वो 70 मार्क का होगा, जबकि ओनली 30 मार्क का होगा जो प्रायोगिक एग्ज़ाम होता है। पहले ये 25 मार्क का होता था, अब ये इसका मार्क जो है बढ़ा दिया गया है, तो प्रैक्टिकल मार्क में 5 नंबर ऐड किया गया है यानी कि 30 मार्क का इस बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अगर बायो का यानी कि जीव विज्ञान का सिलेबस में अगर गौर करें तो प्रत्येक इकाई के लिए स्पेसिफिक अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत अगर देखें तो यूनिट फर्स्ट से 14 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, यूनिट सेकंड से 18 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार यूनिट थर्ड से देखें तो 14 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, यूनिट फोर्थ से देखें तो 10 मार्क का क्वेश्चन आना है, इसी प्रकार यूनिट फाइव्थ से अगर देखें तो 14 मार्क का क्वेश्चन आना है। तो इस प्रकार 5 यूनिट है और 5 यूनिट मिलाकर टोटल 70 मार्क का क्वेश्चन आना है, बाकी 30 मार्क जो है प्रैक्टिकल का पार्ट कवर करता है। तो इसके अंतर्गत और ज़्यादा गौर करें तो यूनिट फर्स्ट में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसके अलावा मानव जनन, इसके अलावा जनन स्वास्थ्य, तो इस ये 3 ही टॉपिक लगभग जो फर्स्ट यूनिट में कवर करने होंगे। इसके अलावा आनुवंशिकता तथा विकास, इसको इस यूनिट के अंतर्गत वंशागतिकी तथा विविधता के सिद्धांत, ये टॉपिक कवर करेंगे, साथ ही वंशागतिकी का आण्विक आधार ये टॉपिक भी कवर होगा। जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण, इस टॉपिक इसके अंतर्गत जो थर्ड यूनिट के अंतर्गत आता है, तो इस थर्ड यूनिट में मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, कौन कौन से सूक्ष्म जीव है मानव कल्याण में उसके बारे में पढ़ना होगा। इसी प्रकार यूनिट फोर्थ जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है जो सूक्ष्म जीव का उपयोग करके जो टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन इत्यादि को बढ़ाए जा रहे हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना होगा। फाइव्थ और लास्ट यूनिट जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, पहले भी पढ़ते थे अभी भी पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, इसके अलावा इकोसिस्टम जो हमारे आसपास घास का इकोसिस्टम, वन का इकोसिस्टम, मरुस्थल के का इकोसिस्टम, तो सभी का, जल का इकोसिस्टम, तो सभी का इकोसिस्टम अलग अलग होता है, तो इसे गौर से देखेंगे। इस प्रकार 11th 12th अध्याय के रूप में दिया हुआ है यूनिट 5 के अंतर्गत पर्यावरणीय मुद्दे जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो ये सब ही पर्यावरणीय मुद्दे हैं जिस पर समय समय पर जो पर्यावरणीय विभिन्न संस्थाएं हैं वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करके डिस्कशन करते रहते हैं, तो इन मुद्दों पर डिस्कशन के लिए भी यूनिट 5 में सिलेबस में रखा गया है। तो इस प्रकार रिवाइज्ड सिलेबस आप लोग देख पा रहे हैं। इस रिवाइज्ड सिलेबस को अगर देखें तो इस रिवाइज्ड सिलेबस में फिर से कुछ ज़्यादा डिटेल के साथ यूनिट वाइज दिखाया जा रहा है। तो इकाई एक जिसका नाम है प्रजनन, इसमें पुष्पी पादपों लैंगिक प्रजनन, इसके अंतर्गत आप लोग देख पा रहे हैं कि इस प्रकार सिलेबस दिखाया जा रहा है। इन टॉपिक को कवर करना होगा, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, तो इन टॉपिक के अंतर्गत इन टॉपिक को कवर करना होगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार इकाई दो, इसके अंतर्गत वंश आनुवंशिकी तथा विकास, इसका भी सिलेबस आप लोग देख पा रहे हैं, इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार यूनिट 3 आप लोग देख पा रहे हैं,
इसके अलावा यूनिट 4 के अंतर्गत जो कवर करना है, यूनिट 5 के अंतर्गत जो पार्ट कवर होता है। तो इस प्रकार रिवाइज्ड सिलेबस छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के तरफ से जारी किया गया है, सीजी बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू।